है व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू एन एनालाइजर देन एंड एनालाइजर इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट ड्यूरिंग रोटेशन। एक प्लेन लाइट है जो कि एनालाइजर से पास करी जा रही है और एनालाइजर को रोटेट किया जा रहा है 90 डिग्री पे, तो इंटेंसिटी जो होगी वो इमर्जिंग लाइट की वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगी, इंटेंसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी वेरीज मैक्सिमम टू मिनिमम, क्योंकि एनालाइजर से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, आई नोट बाय टू कोस स्क्वायर कोस थीटा, इसका क्या होता है स्क्वायर, तो ये जीरो डिग्री, जब थीटा क्या होगा हमारे पास जीरो डिग्री होगा तो इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास मैक्सिमम आएगी, थीटा जब जीरो डिग्री होगा तो इंटेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, थीटा अगर जीरो डिग्री पुट करें तो इंटेंसिटी आई नोट बाय टू कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कितना होता है वन होता है, तो आई नोट बाय टू आएगी। और जब थीटा क्या कर दिया गया 90 डिग्री कर दिया जाएगा तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, आई नोट बाय टू कोस 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1 बाय टू यानी कि आई नोट बाय टू इंटू 1 बाय फोर आ जाएगा, तो आई नोट बाय क्या आ गई हमारे पास 8, तो इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम होगी। तो इसको जब इंटेंसिटी वेरी करेगी मैक्सिमम टू मिनिमम व्हेन एनालाइजर रोटेट्स 0 डिग्री टू 90 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होती है मैक्सिमम होती है, अगर 0 डिग्री से अगर अलग करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है मिनिमम होती जाती है। दिस इज द क्वेश्चन।